नेशनल देखिए इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और नेशनल हेल्थ कमीशन के द्वारा कोई भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है अभी तक। देखिए एयरपोर्ट पर कैसी सेफ्टी है, किसी को आप छू नहीं सकते हैं, तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाती है। डॉक्टरों के लिए खास करके वैसे बड़े अस्पतालों जहां रात में रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं वहां पे ना तो प्रॉपरली गार्ड की सुविधा है, ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है, प्रॉपरली स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर सुविधा नहीं है। ये सब होनी चाहिए, नहीं तो ये जो काम घटना घटी है ऐसी घटनाएं भविष्य में भी घटती रहेंगी। देखिए आज हम लोग यहाँ पर, आज डॉक्टर शेखर हम हैं आई में प्रेसिडेंट रांची का, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जेडीयू के सपोर्ट में, यहाँ का जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उनके सपोर्ट में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितना निंदा की जाए कम है, लेकिन हम लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग हमेशा इस तरह का घटना से आंदोलनरत क्यों रहेंगे। पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन नहीं है, आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि ये जनता की आंदोलन होना चाहिए ना कि हमारा होना चाहिए। ये हमारा साथ नहीं घटना हुई है, ये जनता को भी उतना ही आक्रोशित होना चाहिए इस घटना से और ये पूरे देश में इसके लिए कुछ जनता के प्रति प्रतिक्रिया आना चाहिए कि डॉक्टर के साथ ऐसे नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हो, जनता हो, उनसे होना चाहिए। ये आंदोलन हमेशा हम करें, हमारा कोई आदमी मर जाए उसके बाद हम आंदोलन करें, हत्या हो जाए, रेप हो जाए उसके बाद आंदोलन करें। की दुर्घटना किसी और कॉलेज में किसी और डॉक्टर के साथ किसी की और बहन बेटी के साथ होना है, इसको इंश्योर किया जाए पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे सीसीटीवी फंक्शनल 24 आवर फंक्शनल सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर्स के लिए जो पीजी डॉक्टर्स स्पेशली हैं उनके लिए इमरजेंसी ड्यूटीज में सेपरेट रूम्स, गर्ल्स के लिए अलग रूम्स और फीमेल्स के लिए अलग रूम्स, बॉयज़ के लिए अलग रूम बनाए जाए ताकि वो ड्यूटी के दौरान किसी भी तरीके का अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो वो सेफ माहौल में रेस्ट करें। प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए हम लोगों को और साथ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारा काफ़ी लंबे समय से डिमांड है उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम लोग यही चाहते हैं सरकार से। हम लोग इमरजेंसी के अलावा और सेवा जो बाधित हो जाए, आज इमरजेंसी चालू है और इमरजेंसी में मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, मरीजों को किसी तरीके का सुविधा ना हो, तो इसके लिए हम लोगों ने इमरजेंसी के अंदर में और डॉक्टर को बहाल किया है जो कि इमरजेंसी में तत्पर होकर के सेवा दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची है, आपके सामने बस यही बोलना चाहेंगे कि हमारा साथ दे क्योंकि आपको पता ही है कि डॉक्टर्स हमेशा ही आपके साथ रहे हैं और आपके लिए ही काम करते हैं। हम लोग इमरजेंसी सर्विस भी इसीलिए होल्ड कर रहे हैं, बहुत विद अ लॉट ऑफ ग्रीफ वी आर होल्डिंग द इमरजेंसी सर्विसेज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ डिमांड फॉर अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर अ सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क इन। दिस डिमांड व्हेन नॉट मेट लेड टू द हीनियस breach of autonomy and security of a colleague, of a dear colleague who was raped and murdered in her own institute. We regard our institute as the second home. We stay there. Residents mean literally that we stay in the hospital. Our right for a safe environment shouldn't even have to be protested to be begin with. It should have been a given. But right now we are on the streets, helpless, asking for that. And that's why we are breaking the oaths that we have taken during the start of our services because we are helpless. आपका परिचय। यही आप लोगों से विनती है कि हम यही चाहते हैं कि हम लोग सॉलिडारिटी पे खड़े हो हमारे आरजी करके रेजिडेंट्स के साथ, उनका हर डिमांड जो वो लोग दे रहे हैं वो मीट हो और यही चाहते हैं कि जस्टिस स्विफ्टली एंड राइटली सर्व्ड हो। यही चाहते हैं कि उनको कॉम्पेंसेशन मिले क्योंकि अभी तक अगर कोई और दुर्घटना हो गई होती तो उनको कॉम्पेंसेशन मिल गई होती, तो हम चाहते हैं कि कॉम्पेंसेशन शायद एनफ नहीं है पर एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। हम इतना ये भी चाहते हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स इनफोर्स हो ताकि हम वी डोंट हैव टू डू प्रोटेस्ट लाइक दिस जस्ट सो दैट वी कैन वर्क इन अ सेफ एनवायरनमेंट। इफ वी आर नॉट अलाउड अ सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क इन, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू सेव द पीपल? हाउ डू यू इवन ट्रस्ट द एनवायरनमेंट दैट यू आर सपोज टू बी कमिंग टू? थैंक यू। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोपाली है, मैं यहाँ सेकेंड ईयर जूनियर रेसिडेंट। धन्यवाद।